बलिया के संपूर्ण नगर रोड स्थित अजीत सिंह फार्म की बेटी गुरप्रीत कौर, जो कि दिल्ली के पर्ल एकेडमी इंस्टीट्यूट में रहकर मास मीडिया की पढ़ाई कर रही है, जिला जंगल के इस अभियान के जरिए लोगों को जंगल की अहमियत का एहसास दिलाने का कार्य किया जा रहा है। होनहार इस बेटी के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बेटी की माँ सुखजीत कौर व पिता अजेंद्र पाल के अलावा निशा श्रीवास्तव व उनके पति एस के श्रीवास्तव गुन्नू बाबू द्वारा अपने मकान की बाहरी दीवार को बिटिया को सौंपते हुए उसके हाथों की कलाकृति को समाज के सामने उकेरने का मौका दिया। होनहार बेटी गुरप्रीत ने बताया कि वह दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही है, लेकिन वह चाहती है कि पलिया शहर की पहचान किसी के नाम से ना हो, पलिया अपनी खूबी व हरियाली के लिए खुद पहचाना जाए। जी, पलिया की इस बेटी के द्वारा जिला और जंगल को लेकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। आप लोग भी इस बेटी को सम्मान देते हुए पूरा सहयोग कर रहे हैं। थोड़ा सा आप भी जानकारी दें इस बेटी की हौसला अफजाई और क्या सहयोग दे सकती हैं आप। मेरा नाम निशा श्रीवास्तव है और ये बेटी हमारी अपनी है। दूसरी चीज़ की ये जो जिला और जंगल को लेकर के जिस प्रकार का ये बना रही हैं, तो उसको हम लोग बहुत अच्छा भी लग रहा है हम लोगों को। और दूसरी चीज़ ये चाहते हैं कि हम इनको पूरा जिस तरीके से चाहें इनको पूरा सहयोग हम प्रदान करें, ताकि ये जिस जो भी इनके मन में जो इस चीज़ को करने का एक है वो बहुत अच्छे से कर सकेंगे। जिला जंगल को लेकर आप एक अभियान चला रहे हैं जिसके जरिए आप लोगों को जागरूक करने, क्या है उस अभियान का उद्देश्य, जरा थोड़ा सा बताएं। जिला जंगल एक कोशिश है जिसके माध्यम से मैं यहाँ के लोगों को बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो अपने शहर को जाने और पहचाने कि ये जंगल कितना ज़रूरी है, और जंगल के साथ साथ यहाँ के रहने वाले लोग भी उतने ही ज़रूरी हैं। हम साथ में मिलकर जंगल और ये पलिया के शहर को मिलकर बनाते हैं। और मैं दिल्ली से आई हुई हूँ, पर्ल एकेडमी में पढ़ती हूँ, और ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये मैं एक महीने से यहाँ पे नुक्कड़ नाटक और स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से, और पोस्टर कैंपेनिंग भी आजकल चल रही है साथ ही साथ, तो इसके माध्यम से बस अलग अलग तरीके से बताने की बस यही कोशिश है कि कैसे जंगल को जानना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, और कैसे चीज़ें जंगल से शुरू होके फिर शहर तक पहुँचे, तो ये पूरी कहानी बताने की कोशिश। क्या इससे पहले भी आप ऐसे ही कुछ कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक कर चुकी हैं? ये किया है, जागरूकता इधर उधर करी है, लेकिन अभी पलिया में ये मेरी पहली कोशिश है, क्योंकि कॉलेज का हमारा काम होता है ये कि 5 महीने का तुम एक कोर्स करो, सो यही है कि आखिरी मौका था कुछ करने का, और मैं क्यों ना अपने ही शहर में करूँ, दिल्ली में जाके या कहीं और क्यों करूँ, अपने ही शहर में कुछ बदलाव लाऊं।